पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ मज़ामीन में बैचलर और मास्टर के एडमिशन का ऐलान कर दिया है। दाखिला फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर 2018 है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करने की जो डेट है वो 17 सितंबर 2018 मंडे से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की 28 सितंबर 2018 फ्राइडे है। ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट लेने के बाद आप उस फॉर्म के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और पंजाब यूनिवर्सिटी के एड्रेस के ऊपर आप थ्रू पोस्ट उसको जो है भेज सकते हैं और उसकी लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2018 है। यानी फॉर्म जमा करवाने की लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2018 फ्राइडे 5 PM तक आप जमा करा सकते हैं। इसके अलावा मैनुअल फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं। वेबसाइट से मैनुअल फॉर्म डाउनलोड करें, उसके बाद उसको फिल करें, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं और पंजाब यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे पोस्ट कर दें। यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम ऑफर कर रही है उसमें मेन कैंपस लाहौर में जो डिपार्टमेंट फैकल्टीज़ हैं उसमें BS प्रोग्राम, MSc और MA प्रोग्राम शामिल हैं। इसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आर्कियोलॉजी, इंग्लिश डिपार्टमेंट, हिस्ट्री एंड पॉक स्टडी डिपार्टमेंट, फिलोसफी, आर्ट एंड डिज़ाइन और फ्रेंच डिपार्टमेंट शामिल है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ बिहेवियर एंड सोशल साइंस में कम्युनिकेशन स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, सोशल एंड कल्चर स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़ एंड सोशल वर्क के डिपार्टमेंट शामिल हैं। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसिस में अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर साइंसेज, स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन और जूलॉजी शामिल हैं। इसी तरह फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट शामिल हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ का डिपार्टमेंट है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशन एंड रिसर्च के डिपार्टमेंट। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट शामिल हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कोल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की जितनी इंजीनियरिंग की एडमिशन्स हैं उसके लिए एक अलहदा से ऐड है, जिसके लिए आप एक सेपरेट वीडियो है उसको चेक करें। फैकल्टी ऑफ साइंस में केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंटीग्रेटेड माउंटेन रिसर्च, फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स, स्पेस साइंस, स्टैटिस्टिकल एंड एक्चुअरियल साइंसेस, जियोग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट शामिल हैं। इसी तरह फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग में अरबिक डिपार्टमेंट, कश्मीरियात, पर्शियन, पंजाबी और उर्दू के डिपार्टमेंट शामिल हैं। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक सेंटर शेख जायद के डिपार्टमेंट शामिल हैं। इसी तरह फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में फार्मेसी डिपार्टमेंट शामिल है। मेन कैंपस के अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के जो दो कैंपस हैं, एक गुजरांवाला कैंपस है, दूसरा जेहलम कैंपस है। इनमें जो प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं उसमें गुजरांवाला कैंपस में BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसमें मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों है। BBA BS IT है। इसी के अलावा BS कंप्यूटर साइंस है, BCOM, MCOM, MA इंग्लिश, MSc IT, LLB 3 years, ये सारे प्रोग्राम गुजरांवाला कैंपस में शामिल है। गुजरांवाला की वेबसाइट दी हुई है, उसके नंबर्स दिए हुए हैं, मज़ीद डिटेल आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इसी तरह जेलम कैंपस में BS मैनेजमेंट साइंस है, इसमें मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों प्रोग्राम शामिल हैं। BBA है, BCOM मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग है, BS कंप्यूटर साइंस, LLB 3 years के प्रोग्राम शामिल हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें BS के प्रोग्राम्स के लिए एटलीस्ट सेकेंड इन FSC और FA, उसके इक्विलेंट जो एग्ज़ाम है उसमें एटलीस्ट सेकेंड ईयर होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 24 ईयर्स है। ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी थर्ड ईयर है वो एलिजिबल नहीं है। क्लियरेंस ऑफ प्री एडमिशन एंट्री टेस्ट इस मैंडेटरी, एंट्री टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी है। इसके अलावा
जो एमए और एमएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपके बीएससी या बीए 14 ईयर्स एजुकेशन में सेकेंड ईयर होना ज़रूरी है, थर्ड ईयर इसमें एलिजिबल नहीं है, मैक्सिमम एज 26 ईयर्स है, आर्ट्स और डिज़ाइन में 28 ईयर्स है, इसके अलावा आपकी एडमिशन एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है। फर्दर डिटेल के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लेट सेशन का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है, इसमें 2 मार्क्स वो कम हो जाएंगे परसेंटेज एकेडमिक मार्क्स में से। इसमें 3-4 कैटेगरीज दी हुई हैं। फर्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट लेट सेशन फर्स्ट एनुअल 2017 एंड सेकंड एनुअल 2016 है। इसी तरह से सेकंड लेट सेशन में फर्स्ट एनुअल 2016 और सेकंड एनुअल 2015 एंड सो ऑन, इस तरह से उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं क्राइटेरिया। इसी तरह से रिजर्व सीट्स का कोटा है, इसमें 1% सीट्स जो है वो स्पोर्ट्स बेस्ड हैं, उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ जो अदर देन स्पोर्ट्स सीट्स हैं उसका कोटा है, जैसे आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, के पी के, सिंध, इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इसमें, सबसे पहले जो मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी वो 10 अक्टूबर 2018 सुबह 9 बजे है, वेडनेसडे का दिन है। इसमें रेगुलर प्रोग्राम के लिए अनाउंसमेंट होगी मेरिट लिस्ट की। इसी तरह जो सेल्फ सपोर्टिंग या रेप्लिका प्रोग्राम्स हैं उसकी 18 अक्टूबर 2018 थर्सडे को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जो लास्ट डेट है ड्यूज़ जमा करवाने की वो 12 अक्टूबर 2018 है, बैंक टाइम इसके अंदर आपने जमा करवानी है, और सेल्फ सपोर्टिंग के लिए 22 अक्टूबर 2018। सेकेंड मेरिट लिस्ट 15 अक्टूबर फीस जमा 17 अक्टूबर तक करा सकते हैं। इस तरह सेल्फ सपोर्टिंग वाले की सेकेंड 23 अक्टूबर को होगी और फीस 25 अक्टूबर तक जमा करा सकते हैं। थर्ड मेरिट लिस्ट 18 अक्टूबर 2018 को अनाउंस होगी और ड्यूस आप 22 अक्टूबर तक जमा करा सकते हैं। सेल्फ सपोर्टिंग वालों की थर्ड लिस्ट 26 अक्टूबर और फीस जमा कराने की 30 अक्टूबर। फोर्थ एंड फाइनल मेरिट लिस्ट इफ़ रिक्वायर्ड 23/10 को होगी, इसी तरह से सपोर्टिंग 31/10 को होगी, और इसकी फीस उसी तरह नेक्स्ट डे तक आप जमा करा सकते हैं। क्लासेस जो हैं वो रेगुलर 26 अक्टूबर 2018 से स्टार्ट होंगी, और जो सेल्फ सपोर्टिंग रेप्लिका प्रोग्राम्स हैं उनकी क्लासेस 2 नवंबर 2018 से स्टार्ट होंगी। फी डिपॉजिट करने के लिए इसमें यह है कि चलान फॉर्म आप उसमें से प्रिंट आउट लें, और या किसी बैंक अभी बैंक के जो 2 अकाउंट्स हैं, एक अभी बैंक अकाउंट नंबर है 00427900084303, दूसरा यूनाइटेड बैंक है UBL, उसका अकाउंट नंबर 2255925551 है। इन अकाउंट के किसी भी अभी बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में आप फी डिपॉजिट करा सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप प्रॉस्पेक्टस और ऑनलाइन में चेक कर सकते हैं। एडमिशन अनाउंसमेंट, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बाई हैंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आपने प्रिंटेड फॉर्म के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, और उसके बाद उसको थ्रू कोरियर या थ्रू पाकिस्तान पोस्ट आपने उसको पंजाब यूनिवर्सिटी के डेस्क के ऊपर पोस्ट करना है। इसमें एडमिशन फॉर्म की अवेलेबिलिटी के लिए आपको बता दें कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इस पर आप विज़िट कर सकते हैं, admissions.pu.edu.pk फॉर ऑनलाइन एडमिशन के लिए है, और इसी तरह आप journals.pu.edu.pk/new-admissions पे जाएं, ये मैनुअल एडमिशन के लिए है। मैनुअल में आप फॉर्म को डाउनलोड करें, उसको प्रिंट करें, उसके बाद आप मैनुअल फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे पोस्ट कर दें। इसी तरह से PUCIT डिपार्टमेंट है, वहाँ मैनुअल एडमिशन एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है admission.pucit.edu.pk के ऊपर जाके, या admission.pucit.edu.pk के ऊपर जाके आप एक फॉर्म फिल करें, उसका प्रिंट लें और डॉक्यूमेंट्स लगा के सबमिट करवा दें। इसी तरह से जो IBIT है उसकी जो वेबसाइट है IBITPU.edu.pk/admissions है, उसके ऊपर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।
इस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिस के ये मुख्तलिफ नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको नंबर से अवेलेबल होगी। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, मज़ीद एडमिशन्स के लिए, जॉब अवेलेबिलिटीज़ के लिए आप इनोवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो ही कोई नई जॉब्स क्रिएट हों आपको फौरी उस पर जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई किसी जगह पे एडमिशन का है उसकी इंफॉर्मेशन होगी, कहीं जॉब्स पूरे पाकिस्तान में क्रिएट होते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन होगी। तो इनोवेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।